आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि के चयन आदि के लिए तैयार नियमावली पर सहमति दे दी है। इससे आयोग के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सर्च कमेटी की संस्तुति के अनुसार अध्यक्ष सदस्य के चयन की सूची मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदित की जाएगी। वहीं आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी, आउटसोर्स से एक कंप्यूटर व IT समन्वयक, 4 उप सचिव भी तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी प्रदेश सरकार 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए तैनात किए जाएंगे। नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हर पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं भी आयोग को हस्तांतरित हो जाएंगी। इन सभी के चयन के साथ ही प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया भी गति पकड़ेगी। विंध्य और बुंदेलखंड की पाइप पेयजल परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत मंजूर। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।